नमस्कार, आप देख रहे हैं राख न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दौसा से आ रही है। 20 लाख की लूट का दौसा पुलिस ने किया खुलासा। चार आरोपी को किया गिरफ्तार। लूट की राशि में से 5,35,000 किए बरामद। दौसा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दौसा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुछ दिन पहले हुई 20 लाख रुपए की लूट के चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं लूट की वारदात में काम ली गई स्कॉर्पियो गाड़ी व लूटे गए 20 लाख में से 5,35,000 रुपए बरामद कर लिए। वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल ने बताया, 8 जनवरी को दौसा में नेशनल हाईवे पर एक ट्रक को रुकवा कर पुलिस की वर्दी में स्कॉर्पियो गाड़ी में आए बदमाशों ने एक कंटेनर को रुकवा कर ट्रक में रखे 20 लाख रुपए लूट लिए। वे चालक एवं खलासी के साथ मारपीट करते हुए उन्हें बंधक बनाकर भरतपुर से गोवर्धन जी के बीच डाल गए। ऐसे में ड्राइवर खलासी जैसे तैसे दौसा पहुंचे। वे सदर थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर दौसा पुलिस ने साइबर सेल की मदद से चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी पंकज शर्मा, योगेश कुमार, अतुल जाट व भूरा सिंह को गिरफ्तार किया गया। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी योगेश कुमार व पंकज आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। योगेश के खिलाफ पूर्व में भी 5 थानों में अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं, तो पंकज के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हैं। इस वारदात को अंजाम देने का मुख्य आरोपी अतुल उर्फ पिंटू एक मूंगफली व्यापारी के पास नौकरी करता है और मूंगफली व्यापारी के ही पैसे थे। व्यापारी के पास जिसके पास से माल आता था उसको देने के लिए कंटेनर ड्राइवर व खलासी के साथ कट्टे में भर के भिजवाए, लेकिन व्यापारी के काम करने के लिए लगे नौकर अतुल उर्फ पिंटू ने अपने साथियों को कंटेनर में 20 लाख रुपए होने की बात बताई, जिस पर उसके साथी ने इस वारदात को अंजाम दिया। ये दिनांक 8 जनवरी को रात को 8 PM पे मेरे को सूचना मिली थी कि एक कैंट्रा को यहाँ पे रोक के उसके साथ लूट की गई है, जिसके अंदर 20 लाख रुपए की लूट की गई है। और उसी लूट के प्रयास में जो हमारी स्पेशल टीम इसके अंदर काम कर रही थी, उन्होंने एक अच्छी सफलता हासिल करते हुए 4 लोगों को अरेस्ट किया है। और टोटल 7 लोग थे, जिनमें से 4 हमने उनको अरेस्ट करने में सफलता पाई है। और टोटल जो 20 लाख रुपए जो इसके अंदर गए थे, उनमें से 5,35,000 रुपये हमने बरामद कर लिए हैं। और जो स्कॉर्पियो जो इस लूट के अंदर यूज़ हुई थी, उस स्कॉर्पियो की बरामद कर लिया है। तो 4 मुलजिम जो इसमें हैं, जो हमने अपने जिनको अरेस्ट किया है, उनका नाम है पंकज पुत्र अपने राम कुमार जाति ब्राह्मण, जो मतलब अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। दूसरा अपने योगेश कुमार उर्फ छोटू पुत्र उदयगिर जाट, जो अपने नदवई थाना इलाका भरतपुर का रहने वाला है। तीसरा अतुल उर्फ पिंटू, ये वो मुलजिम है जो मतलब बनिया जिसके यहाँ से लूट हुई थी उसके यहाँ पे काम किया करता था, ये भी आपका नदवई थाना क्षेत्र का रहने वाला है। और चौथा भूरा पुत्र हरी जाट, और ये भी आपका नदवई थाना इलाके का रहने वाला है। इनमें से जो 2 मुलजिम हैं, एक तो योगेश उर्फ छोटू, उसके खिलाफ ऑलरेडी 6 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 4 मुकदमे नदवई थाना क्षेत्र में है और 2 उसके अंदर जयपुर के मुकदमे हैं। और एक जो आपका पंकज है, उसके खिलाफ भी 2 मुकदमे एक आर्म्स एक्ट में, और ये आप उत्तर प्रदेश के अंदर नौ झील करके एक जगह है जो थाना पड़ता है, वहाँ पे इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज है। और टोटल जो लूट की राशि थी 20 लाख रुपए, उसमें से 5,35,000 रुपए हमने बरामद कर लिए। शेष राशि भी बरामद करना बाकी है, और 2 मुलजिम इसके अंदर अरेस्ट होने बाकी हैं। एक मुलजिम अपने UP जेल के अंदर बंद है, जिसको प्रोडक्शन वारंट पर लिया जाएगा। और जो टीम थी जिसने काम किया है, ये जो हमारे COCT हैं RPS दीपक शर्मा जी, उनके अंडर के अंदर ये टीम काम कर रही थी, जिसके अंदर SHO सदर बनवारी लाल जी और SHO महुआ नरेश, इन दोनों का बहुत उल्लेखनीय योगदान है। और बाकी जो बचे हुए मुलजिम हैं, उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। थैंक यू। किस तरह से प्लानिंग करते हैं? वारदात को चूंकि इसमें एक अक्यूज्ड जहाँ से कैंटर रवाना हुआ था, वहीं से उसके पास इनपुट था, बाकी साथियों के साथ उसने कोलैबोरेट करके और यहीं टोल के पास मतलब वर्दी पहन के डरा के मतलब कैंटर वाले को साइड के अंदर रुकवाया गया और फिर उसके साथ लूट की गई। लूट की के लूट करके जो ड्राइवर वो थे क्लासी थे, उनको बंधक बना के स्कॉर्पियो गाड़ी में डाल के और उनको भरतपुर और UP की बाउंड्री पे वहाँ पे डाल के छोड़ के चले गए थे। सर, जिस दिन जो वारदात हुई थी उस दिन ये बड़ा एक सरप्राइजेबल था, 20 लाख रुपये ट्रक के अंदर जा रहे थे।
वो जैसा हमारे जांच में सामने आया है, वो जो मतलब बढ़िया है, जो मतलब जिसके साथ ये लूट हुई थी, वो आपको मूंगफली का काम करता है, और मूंगफली की पेमेंट देने के लिए वो पेमेंट मतलब जनरली इसी प्रैक्टिस से वो पेमेंट लगातार भेज रहा है, और वो काफ़ी टाइम से ये काम कर रहा है। तो उसने जो ड्राइवर वगैरह थे वो भी उसके साथ 12-14 साल से काम कर रहे हैं, कभी ऐसी वारदात नहीं हुई, तो उसने शक नहीं किया। ड्राइवर क्लासी का भी इसमें कोई रोल सामने नहीं आया, क्योंकि उसने अपने वहाँ पे एक नया एक लेबर रखा था जो उसका काम देखता था, उसने ये टिप जो इसकी बाकी जो गैंग मेंबर्स है उसके साथ शेयर की, और तब ये लूट की घटना को